युवा टीम हम देख रहे हैं, खासकर युवा ही हमारे देश के कर्णधार हैं और हमारी दीदी जो है जो कि युवाओं को जागरूक करने का कार्य कर रही है, तो बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है और हमेशा जो हमारी मानव कल्याण समिति है, तो मैं अपने संस्था के द्वारा आपके साथ संयुक्त होकर मैं चाहता हूँ इसी तरह सेवा भाव के साथ कार्य करता रहूँ आजीवन और आपका आशीर्वाद यूँ ही बना रहे। आपका छोटा भाई जो है हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी कि नवीन हम लोगों के साथ मिलकर कार्य करना चाहेगा। प्रतियोगिता का कार्यक्रम रखा गया है महिला योग शक्ति के द्वारा, तो हमारे साथ में सनातन ध्वज वाहिका भी उपस्थित है, उनसे हम बात करेंगे आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष में जो कार्यक्रम रखा गया महिला योग शक्ति के द्वारा योग को बढ़ाने के लिए और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, तो उसके बारे में क्या कहेंगी मैम? आपका स्वागत अर्चना। बहुत बहुत धन्यवाद हंगामा चैनल का। यहाँ हमारी शक्ति पीठ है कुसुम बहन, उनका महिला योग शक्ति का एक ग्रुप है, वो बहुत अद्भुत ही कार्य कर रहा है लखनऊ शहर में और यहाँ आके मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अद्भुत नज़ारा दिखा, जो जैसे कि पूरा ब्रह्मांड योग द्वारा यहाँ पृथ्वी लोक पे उतर आया हो। यहाँ बहुत सुंदर दृश्य था, बच्चों ने बहुत अच्छे कार्यक्रम किए और एक से एक योग की कलाएं दिखाई, इसलिए मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। योग दिवस इसी तरह मनाते रहें और इसी तरह स्वस्थ मन और स्वस्थ तन के द्वारा आध्यात्मिक शक्तियों को प्राप्त करें। जय श्री राम। तो कुसुम जी क्या कहना चाहेंगे, आज इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आप मना रही हैं अपनी संस्था के द्वारा, तो क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत खुशी है कि प्रत्येक वर्ष की तरह हमने इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर वसुधैव कुटुंबकम की जो थीम थी हर घर आंगन योग, उसको हम सभी महिला योग शक्ति के लोगों ने मिलकर सार्थक किया और बहुत अच्छा लगा। यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती सपना गोयल जी ध्वज वाहिका आई
और भी बहुत से लोग आए और बच्चों का बहुत ही उत्साहवर्धन किया, मनोबल बढ़ाया, हमारी पूरी महिला योग शक्ति के बारे में बहुत अच्छे अच्छे शब्द कहे, उनका मनोबल बढ़ाया, जिनका मैं हार्दिक अभिनंदन। पुनीता जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगी कुसुम पाठक जी ने जो आज योग शिविर रखा है वो अद्भुत था। बच्चों ने इतने कम संसाधनों में, इतने कम समय में इतना सुंदर अभ्यास किया, मैं तो मंत्रमुग्ध हो गई, सचमुच उन्हें मेरा नमन है। शशि जी भी हैं, तो शशि जी से मैं कहूंगी आज के कार्यक्रम में वो क्या कहेंगे। तो शशि जी आपका स्वागत। थैंक यू अर्चना, आज कुसुम जी ने यहाँ पर इस मंच पे मुझे बुलाया और मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ पर आकर जिस प्रकार से छोटे छोटे बच्चों ने परफॉर्म दिया, और सबसे अच्छी बात योग के माध्यम से जो जन जन तक कुसुम जी सेवा पहुँचा रही हैं निःशुल्क, ये अपने आप में एक बहुत अद्भुत कार्य है। और हमारी सपना गोयल मैम, जिनसे मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ, सपना जी की जो मुहिम है कि जन जन तक हम अपने सनातन धर्म को पहुँचाएँ, कुसुम जी से मैं बहुत इम्प्रेस हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं किन शब्दों में बताऊँ, मेरे लिए फेवरेट है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जब कुसुम जी से मिली थी तभी मैं इनकी एक हिसाब से कह सकते हैं फैन हो गई थी। और जिस प्रकार से मैंने देखा कुसुम जी निःशुल्क 2017 से ही योग सेवा कर रही है, और इस चीज़ को देख के मेरे अंदर भी इच्छा होने लगी कि मैं इनके साथ बराबर योग सेवा में जुड़ूं, इनके साथ पूरा सहयोग करूं। कुसुम का अर्थ होता है खुशबू, जहाँ कुसुम जी जाएंगे खुशबू की तरह फैलती जाएंगे, लोग जुड़ते जाएंगे। तो कुसुम जी कितने सालों से कर रहे हैं? मैं 25 मई 2017 से लगातार अपने घर की छत पर ही निःशुल्क योग कक्षा चलाती हूँ। कामयाबी के 5 साल पूरे हो गए, छटा लग गया। बिल्कुल छटा लग गया, और आजीवन जब तक मैं इस धरा पर हूँ मैं आजीवन निःशुल्क योग कक्षा लोगों को देती रहूंगी, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करती रहूंगी, सनातन धर्म के प्रति जागरूक करती रहूंगी, महिलाओं की प्रतिभाओं को निखारती रहूंगी, बच्चों की बाल प्रतिभा का विकास करती रहूंगी। यही मेरा उद्देश्य है, यही महिला योग शक्ति का मिशन है। आज है 21 जून, 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो योग दिवस मनाने के लिए यहाँ पे सभी लोग उपस्थित है, आप अनुपमा जी भी है, तो उनसे हम बात करेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगी। मैम आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी, और हंगामा चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आज यहाँ पर उपस्थित हुआ और हम लोगों से मुलाकात की, हमारी बातें जनता तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। और योग जैसे कि इसका अर्थ है, इसका तात्पर्य है जोड़ना, इसका शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो जोड़ना, योग जोड़ता है, और ये जन जन का योग है, जन जन तक पहुंचता है। और आज का ये जो कार्यक्रम है, यहाँ जो स्थानीय लोग हैं इन लोगों ने मिलकर एक कार्यक्रम किया है, बच्चे से लेकर वृद्ध तक, और महिलाओं ने तो बहुत ही अच्छा यहाँ का कार्यक्रम किया है। योग के ऐसे ऐसे करतब दिखाए हैं जिसे हम मॉडर्न समय में कहते हैं एरोबिक्स, वो क्या होगा जो योग ने आज यहाँ पर मंच पर परफॉर्म किया है। तन के साथ मन की शुद्धता और मन के साथ साथ हमारे पूरे समाज की शुद्धता, सारे विकारों से दूर करता है ये योग। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम सभी एक दिन ना मनाएं बल्कि अपने जीवन में योग को अपनाएं, ये मैं संदेश देना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से। कुसुम पाठक जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? कुसुम पाठक जी तो वाह, क्या अद्भुत व्यक्तित्व है उनका, उनके बारे में तो शब्द नहीं है, वो ऐसा व्यक्तित्व है, उनके पूरी आप देखिए तो रोम रोम में योग है। वो एक मधुर संदेश देती है कि आप सब मिलकर रहिए, आप सब एक दूसरे को जोड़िए, तोड़िए नहीं, ये बहुत ही अच्छा संदेश। और योग साधना भी कराती है, अभी उन्होंने हम लोगों को ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दी, तो वो ऑनलाइन आई और ऑनलाइन आकर वो समझ लीजिए पूरे पूरे भारत से जुड़ी, जन जन तक उन्होंने योग को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पहुंचाया, और बहुत ही अच्छा प्रयास था उनका। और जब वो योग करती हैं तो वास्तव में लगता है कि योग ही जीवन है। तो हमारे साथ सीमा जी भी हैं, तो उनसे ही बात करेंगे आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर क्या कहेंगी। मैम आपका स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद हंगामा चैनल और अर्चना का। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सर्वप्रथम मैं सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। आज चूंकि मैं नवकन्या महाविद्यालय में प्रोफेसर हूं अंग्रेजी की, तो आज हमारे 2 दिवसीय कार्यशाला वहां समाप्त हुई, मैं दोनों दिन वहां पर योग किया मैंने, और मैं सभी को ये संदेश दूंगी कि योग अपने जीवन में नियमित रूप से अपनाएं, आपको स्वस्थ रखेगा, निरोगी रखेगा, और आपको एक हंसी खुशी के वातावरण की ओर भी ले जाएगा। तो इसके लिए योग बहुत ज़रूरी है। और जो कुसुम पाठक जी हैं, इन्होंने हमारे अपराजिता समूह के लिए ऑनलाइन जो कार्यक्रम किया, मैंने भी उसमें जुड़ के देखा, बहुत अच्छा योग कराती, वो खुद उनका जो व्यक्तित्व है वो बताता है कि वो योग की कितनी अच्छी योग मित्र, योग गुरु हैं।
तो आज का जो ये कार्यक्रम है, मैं इसी उनके ही आकर्षण में यहाँ खींची चली आई कि कैसे जो है यहाँ का कार्यक्रम बहुत अच्छा कार्यक्रम था। इन्होंने 35 से लेके 45-55 तक के लेडीज़ को कैसे एरोबिक सिखाया है और निःशुल्क सिखाती हैं। उनके भाई भी जो वहाँ पे आपके क्या बुद्धेश्वर में मुफ्त कक्षाएँ देते, ये समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं इनको भी अपने दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ। धन्यवाद। क्योंकि कुसुम का जो अर्थ होता है वो खुशबू होता है, जैसे उसकी खुशबू होती फैलती जाती तो लोग जुड़ते चले जाते हैं। मैम आप क्या कहना चाहेंगी? बहुत बहुत धन्यवाद आपका अर्चना जी। आज जो मैम ने हम लोगों को यहाँ पे बुलाया, हम लोग इनके ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन थे, हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस इनके ज्वाइन करी। यहाँ पर आकर के बहुत कुछ देखने को मिला, छोटे छोटे बच्चों से लेकर के वृद्धों तक, और कोई यहाँ वृद्ध नहीं लग रहा, सभी बच्चे हैं। योग करने से हम सबका मानसिक से लेकर शारीरिक स्तर मजबूत होता है। जिस तरह का आजकल खान पान है, उस खान पान के हिसाब से हम सब पूर्ण आहार नहीं ले पा रहे हैं, हमारे शरीर में बहुत सी कमियां हैं, उसको पूर्ण करने के लिए योग बहुत ज़रूरी है। महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। और इसी के साथ आपका धन्यवाद। यहाँ पे जो हुआ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, आज 21 जून है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है, तो योग दिवस को मनाने के लिए यहाँ पे लोग सभी लोग उपस्थित हैं, जहाँ पे बच्चों ने अच्छा खासा योग के लिए कंपटीशन किया। तो हमारे साथ में जज हैं, तो उनसे हम बात करेंगे कि आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे और आगे योग को बढ़ाने के लिए उनकी क्या तैयारी है। तो मैम आपका स्वागत। मैं तो ये कहूंगी कि हमेशा होना चाहिए, इससे भी और बेटर होगा। हमारा दिन योग दिवस नहीं होना चाहिए, हर दिन। हाँ, हर दिन योग होना चाहिए। रहो करो, योगा करोगे रहोगे मस्त। आप क्या कहना चाहेंगे? हम सबने ये ठाना है, भारत को स्वस्थ बनाना है, रहे करें योग, रहे निरोग। तो कितने सालों से ये आप ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे जो आपने इतने अच्छे बच्चों को जो तैयार करा? हम जो है बचपन से ही, हमारे पिताजी ने हमारा मार्गदर्शन किया और उनके जो है मार्गदर्शन से हमने बहुत सारे योग में बहुत चीज़ें सीखी, आसनास, प्राणायाम, और आप सभी लोगों का साथ जो है, हमारी दीदी का सानिध्य मिला, तो धीरे धीरे प्रोत्साहन से हम आगे बढ़े और इसी तरह अभ्यास करते हुए अपने बच्चों को सिखाया, तो आज बच्चे जो है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जा रहे हैं। तो जजमेंट करने में कितना आपको? जजमेंट करने में बहुत ही कठिनाई हुई, ये तो मतलब बहुत हम जान सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हमें जो है कठिनाई हुई, बहुत सोचना पड़ गया कि आधा आधा नंबर से बच्चे कैसे जो है आगे पीछे हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो आपकी नज़रों में जो सबसे परफेक्ट ग्रुप कौन सा था? परफेक्ट ग्रुप हमारा 8 बच्चों का था, जिसमें 8 बच्चे थे, 8 बॉयज थे, वो सबसे अच्छा किए थे। बहुत अच्छी बात। आप क्या कहना चाहेंगी? बच्चों ने बहुत मेहनत किया और बहुत परफेक्शन के साथ किया, और बच्चे, एक बच्चे मुझे बड़ा अफसोस हुआ, बच्चे चला गया, वो छोड़ के बच्ची थी। देखिए अभी ज़िंदगी की शुरुआत है ये, और हमें डट के सामना करना है, बहुत छोटी छोटी बातों को माइंड नहीं करना है। योग तो हमको अनुशासन सिखाता है, और योग स्वस्थ रहने के लिए सबसे बड़ी माया निरोगी काया, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है, निरोगी काया सबसे बड़ी माया।
बिल्कुल। तो कुसुम जी ये बताइए, इतने लोगों को आपको एक मंच पे एकत्र करने के लिए, यानी कहते हैं मैम ने जैसे कहा योग है अनुशासन की क्रिया, तो लोगों को कैसे मैनेज करने में क्या क्या करना पड़ता है? मैनेज करने में मेन ये आता है कि सबसे पहले किसी भी कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने से पहले ड्यूटी देनी पड़ती है, और ये देखना पड़ता है कि ड्यूटी कौन सी ड्यूटी कौन कर सकता है, ये देखना पड़ता है। मतलब कार्यक्रम के शुरू होने से पहले जजमेंट शुरू होने लगता है कि किसको हमें क्या ड्यूटी देनी है, क्या कार्यभार कौन अच्छे से संभाल सकता है। तो हमारी टीम ने बहुत अच्छे से कार्यभार संभाला। यहाँ देखिए शालू खत्री जी खड़ी हैं, किरण खड़ी है, शकुंतला खड़ी है, इन्होंने पूरा मंच संचालन का कार्य संभाला। हमारी सुमन दीदी हैं, किरण जी हैं, इन्होंने पूरा जितना भी धार्मिक कार्य था इन्होंने पूरा बीड़ा उठाया था, और निर्मला जी हैं, इन्होंने पूरा संभाला था। ये समझ लीजिए किसी भी कार्यक्रम को कराने से पहले एक दिन की मेहनत नहीं होती, एक महीने की मेहनत होती है। यानी कि आप लोगों को 30 दिन लग गया? बिल्कुल 30 दिन पूरा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने में पूरा लग गया बच्चों के परफॉर्मेंस। सर आपको बच्चों को तैयार करने में कितना समय लगा? बच्चों को तो मैम ने, दीदी ने बिल्कुल सही कहा, 30 दिन वाकई लग गए, क्योंकि सारे बच्चों को मैंने ट्रेंड किया, और मैं बच्चों को इसके लिए जो है मैं डांटता भी था, समझाता भी था कि हर एक चीज़ पे कि कॉन्फिडेंस लेवल कैसा होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, आई कॉन्टैक्ट कैसा होना चाहिए, चलने फिरने का तरीका कैसा होना चाहिए, हर एक पॉइंट पे हमने बच्चों को बहुत ध्यान रखा है, तब जाके यहाँ स्टेज पे परफॉर्मेंस कर पाए हैं। क्या कहना चाहोगी बच्चों, कितने दिनों से तैयारी कर रहे हैं? मैम करीब एक महीने से तैयारी कर रहे हैं, बहुत काफ़ी ज़्यादा। तो आज जब आपका जो आपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी करी, आज एग्ज़ाम दिया तो कैसा लगा? मैम बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा आप लोगों को? मैम बहुत अच्छा लगा, लेकिन हमें ऐसा लगा कि जितना हमने प्रैक्टिस की थी उससे थोड़ा सा हमारा मिस हुआ। आगे अगर आपको स्टेज दिया जाएगा तो उसके लिए क्या करोगे? हम और बेटर करेंगे और कॉन्फिडेंस से करेंगे। तो आज आप लोगों का ग्रुप फर्स्ट रहा, सेकेंड रहा कि थर्ड? सेकेंड। अगली बार? मैम अगली बार फर्स्ट रहेगा। आजकल जैसे बहुत बच्चे लोग योगा में इंटरेस्ट नहीं लेते, तो आप लोगों कैसे योगा में इंटरेस्ट लिया? मैम ऐसे ही एक बार मैं मतलब कि बुद्धेश्वर आए तो सर को देखा, तो मैम सर को देख के मतलब हम लोग का भी हौसला बढ़ा कि हम लोग भी कर सकते हैं। ज्यादा दिन आए हुए नहीं हुए हमारी योग क्लास में, हम ये कहना चाहेंगे आराधना के बारे में कि अभी ये बहुत जल्दी कम ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीने से ही आ रही है, और इसने फिर भी जो है इतने कम समय में इतना अच्छा किया, तो बहुत मैं इसकी अप्रिसिएट करता हूँ। गॉड ब्लेस यू। और सही गुरु गुरु अगर अच्छा होता है तो शिष्य और अच्छा, बहुत अच्छा बनने में जी बस यही है कि माता पिता के आशीर्वाद से और सभी की प्रेरणा से जो है हमें यह स्थान मिला कि हमें इतने सारे बच्चों को ट्रेंड करने का अवसर मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक योगा का शिष्य और भी, तो उनसे भी हम बात करेंगे। बेटा आगे आओ आप, क्या नाम है आपका? आकर्ष नाम है मेरा। आकर्ष नाम है, तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा है योगा करके, कंपटीशन में बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे लोगों सब ने कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी किया है, हम लोगों ने भी बहुत मेहनत की थी, तो आज यहाँ पे अच्छे से परफॉर्म किया ना, तो बहुत अच्छा सुकून मिल रहा है। तो आज हम लोग आए थे महिला योग शक्ति के कार्यालय में आए हुए थे यहाँ पे, जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। योग दिवस को लेके यहाँ बहुत सारी प्रतियोगिताएं हुई जिसमें बहुत सारे बच्चों ने भाग भी लिया। तो यहाँ पे हम आए थे जहाँ पे आपको हमने दिखाया कि महिला योग शक्ति के द्वारा किस तरीके से योग को आगे बढ़ाया जा रहा है, उनके द्वारा निःशुल्क योग शिक्षा दी जाती जिससे बच्चे योग करें और स्वस्थ भी रहें और अपने भविष्य को आगे बढ़ाएं और स्वस्थ रह के स्वस्थ देश का निर्माण भी करें। तो हम आपको आज लेकर के आए थे महिला योग शक्ति के यहाँ पे, जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जहाँ पे कुसुम पाठक जी ने पूरे कार्यक्रम का अच्छा सा मंचन किया और बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने यहाँ पे कंपटीशन यानी कि कई प्रतियोगिताएं भी रखी। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी, धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ में, और हम आपको दिखाते रहेंगे कि लखनऊ में क्या खास हो रहा है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।